अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाए। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आज हम आपको बड़ी ही खूबसूरत जगह पर लेके जा रहे हैं। ये हमारी वीडियो चार हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि हम एक सफ़र पर जो है गए थे बहावलपुर, फिर वहाँ से डेरा बख्खा, और फिर हम दरिया को अबूर करते हुए मंगवानी और फिर हासिल वाला हम इस इलाके का हमने विज़िट किया, और वहाँ पर खूबसूरत और तारीखी मकामात का हमने वहाँ पर विज़िट भी किया। बाजार पर फाते खानी करते हैं और फिर आपको आइए, आज हम आपको लेके जा रहे हैं सैयद अल्लाह बख्श बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। आइए वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ के मज़ार की ज़ियारत भी करवाते हैं, और आपको सैयद अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफी के बारे में भी आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए मिलके चलते हैं। बहावलपुर से हासिलपुर जाते हुए हम इस वक्त इस्लामाबाद पुली से शुमाल की जानिब दरियाए सतलुज की तरफ एक लिंक रोड पर रवा दवा हैं। यहाँ से कुछ फासले पर एक बुज़ुर्ग सैयद अल्लाह बख्श बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आइए वहाँ चलते हैं और मिलकर मज़ार की ज़ियारत करते हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल डेरा बख्खा और बुनियादी मरकज़ सेहत डेरा बख्खा यहाँ पर मौजूद है, और आपको सामने यह सैयद अल्लाह बख्श बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार नज़र आ रहा है। हम मज़ार के बिल्कुल करीब जो है वो पहुँच चुके हैं। हम यहाँ आज आए हुए हैं डेरा बख्खा के इलाके में, और यहाँ पर पीर सैयद अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आइए पहले मज़ार पर फातह खानी करते हैं और फिर आपको मज़ार के बारे में मालूमात भी शेयर करते हैं। आपका नाम सैयद अल्लाह बख्श बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। आपका ख़ानदान बासिलसिला तबलीग अरब से हिजरत करके सिंध आया और वहाँ सकूनत इख्तियार की। आपने अपने दादा सैयद सदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर रियासत बहावलपुर तशरीफ लाए और दरियाए सतलुज के किनारे डेरा लगाकर रुश्द व हिदायत के काम में मशगूल हो गए। पहले इन बुजुर्गों का जो मज़ार है यहाँ से 3 किलोमीटर जो है वो बस्ती लाला डेरा है, उसके करीब जो है वो दरिया के करीब था। तकरीबन 5 से 60 साल पहले जो है दरिया से सैलाब आया, जो चारों तरफ से जो है वो सैलाब ने घरों को और आबादी को मुतासर किया, लेकिन इनके बुजुर्गों की कब्र मुबारक तक पानी नहीं पहुँचा। कुछ लोगों को इशारत हुई कि मुझे यहाँ से निकाल के किसी और जगह पर जो है वो शिफ्ट किया जाए। फिर ये तकरीबन 60 साल पहले जो है वो इनको वहाँ से
दरिया के करीब से वहाँ से निकाल के इनकी जस्त खाफी को वहाँ से निकाल के यहाँ पर ये पूरी सुनी सुनाई जो है बात नहीं है, ये हकीकत है। कई लोग यहाँ के जो है इस इलाके के जो है जो उस वक्त मौजूद थे आज भी इस बात के जश्न जो है वो गवाह है। यहाँ पर जुमेरात और जुमा वाले दिन जायरीन का बड़ा रश होता है। आज हम आए तो बहुत सारे लोग जो है वो गाड़ियों के यहाँ जो है वो आए हुए थे वो यहाँ पर दरबार पर हाजिरी देने के लिए। दरबार जो है दरबार शरीफ पर जो है वो सब्ज रंग की जो है चादर इसके ऊपर डाली गई है और दीवार पर जो है वो नीले रंग की टाइलें हैं और जैसे हमारे मज़ारों पर जो है ऊपर गुंबद होता है तो ये ऊपर जो है वो खूबसूरत गुंबद है और बिल्कुल गोल गुंबद है और गुंबद का रंग अंदर से भी सब्ज है और बाहर से भी जो है वो सब्ज है और बिल्कुल दरमियान में जो है वो एक छोटा सा फानूस है। दूर दराज से लोग जो है वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी जो है वो मन्नतें मुरादें जो है वो पूरी जो है वो करते हैं। ये मज़ार शरीफ के सहन का मंजर है और मज़ार शरीफ के दो अतराफ में बरामदा बनाया गया है और कब्र मुबारक के ऊपर गुंबद का रंग जो है वो सब्ज और सफ़ेद है। सहन में कुछ सायादार दरख्त भी मौजूद हैं। ज़ायरीन जब यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें जब उनकी पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ कर आकर जो है लंगर तकसीम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अकरम मेहरवी और खादिम हुसैन मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।